सुशांत सिंह राजपूत के निधन से पहले उनका एक हफ्ता कैसा था? मुंबई पुलिस को जो नीरज ने बयान दिया है, मैं उसके आधार पर आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या बताया है। उन्होंने बताया 8 जून, नीरज ने बयान में बताया 8 जून को केशव ने सभी के लिए रात का खाना बनाया। सर और रिया मैम को डिनर सर्व करने की हम तैयारी कर रहे थे, तब अचानक रिया मैम ने फ़ोन कर मुझे उनका बैग पैक करने के लिए कहा। रिया मैम तब बहुत गुस्से में दिखी और उन्होंने मुझे एक अलमारी में रखे अपने कपड़े पैक करने के लिए कहा। एक और अलमारी में भी उनके कपड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बाद में उन्हें कलेक्ट करेंगी और वे अपने भाई शोविक के साथ डिनर के किए बिना चली गई। उसी दौरान सुशांत सर सारे समय कमरे में बैठे रहे। उसी दिन रिया मैम के जाने के बाद सुशांत सर की बहन मीतू घर पर आई। 12 जून को क्या हुआ? 12 जून को मीतू दीदी वहाँ से गई और जाते समय मुझसे कहा कि वो 2-3 दिनों के बाद वापस आएंगी। उन्होंने मुझे सर का ख्याल रखने के लिए कहा। जब मीतू दीदी घर पर थी, सर उनके साथ खाना खाते थे, लेकिन जिस दिन वो गई, सर टेरेस पर गए और मुझे अपना रूम साफ करने के लिए कहा। मैंने रूम साफ कर दिया। 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे। मैं कुत्ते को टहलाने के लिए निकल गया। मैं करीब 9 बजे लौटा तो सुशांत सर अपने रूम में बैठे थे। फिर मैं रूम की सफाई करने लगा तो उन्होंने मुझे बाद में आने के लिए कहा। दोपहर को मैंने खिचड़ी तैयार की और सर को सर्व की। शाम को सर रूम से बाहर आए और टेरेस पर गए। वह कुछ समय बाद लौटे और डिनर नहीं किया, सिर्फ मैंगो शेक लेकर सो गए। 14 जून, ये मैं पूरा नीरज का बयान बता रही हूँ कि उन्होंने पुलिस को क्या कहा है। अब ये 14 जून का बयान जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 14 जून के दिन नीरज ने पुलिस को जो अपना बयान दिया है, मैं हमेशा की तरह 14 जून को सुबह 6:30 बजे उठा, कुत्ते को घुमाने ले गया। मैं लगभग 8 बजे लौटा, तब मैंने सीढ़ियों के ऊपर के रूम्स को साफ किया और फिर सीढ़ी साफ कर रहा था। सुशांत सर अपने कमरे से बाहर आए, ठंडा पानी मांगा। जब मैंने पानी दिया तो उन्होंने वही पानी पिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हॉल साफ है और फिर वे मुस्कुराए और वापस चले गए। उसके बाद सुबह करीब 9:30 बजे जब मैं हॉल की सफाई कर रहा था, तब मैंने देखा केशव केले, नारियल पानी और जूस लेकर सर के रूम में जा रहा था। जब केशव वापस आया तो उसने बताया कि सर ने सिर्फ नारियल पानी पिया और जूस लिया। लगभग 10:30 बजे केशव फिर से साहब के रूम में ये पूछने गया कि लंच में क्या खाएंगे और अंदर से कोई जवाब नहीं आया। केशव ने सोचा कि सुशांत सर सो गए होंगे, तो वो सीढ़ी के नीचे आ गया। केशव ने ये बात दीपेश और सिद्धार्थ को बताई। वे रूम पर गए और खटखटाने लगे। उन्होंने काफ़ी देर तक खटखटाया लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं हुई। सर ने दरवाज़ा नहीं खोला। दीपेश ने नीचे मुझे आकर बताया। मैं भी रूम पर गया लेकिन साहब दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। फिर सिद्धार्थ ने सर का फ़ोन मिलाया लेकिन साहब ने कॉल का जवाब भी नहीं दिया। हमने कमरे की चाबियां ढूंढना शुरू किया लेकिन वो हमें नहीं मिली। फिर मीतू दीदी ने हमें कमरा खोलने के लिए कहा। उस समय वो रास्ते में थी और उन्होंने जल्द ही पहुँचने की बात कही। सिद्धार्थ से चाबी वाले को बुला लिया। तब तक दोपहर 1:30 बजे के आसपास 2 चाबी बनाने वाले आए, जिन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी बनाने की कोशिश की लेकिन उन्हें समय लग रहा था, इसलिए सिद्धार्थ ने उन्हें ताला तोड़ने के लिए कहा। अगले 5 से 10 मिनट में उन्होंने ताला तोड़ दिया। उसके बाद चाबी वालों को नीचे भेजा गया। दीपेश ने उन्हें 2,000 रुपये दिए और वे चले गए। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी उस दिन की कहानी है, 8 तारीख की, 12 की, 13 की और 14 की। नीरज के बयान के अनुसार 2 चाबी वाले आए थे जिसमें से एक ने खोला। 10:30 बजे से सुशांत दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे और उसके बावजूद जो है 1:30 बजे तक का इंतज़ार हुआ, यानी कि 3 घंटे इंतज़ार हुआ। जब 10:30 बजे ही दरवाज़ा नहीं खोला गया, तब से जो है ये सब एक्टिव क्यों नहीं हुए? और 1:30 बजे अगर दरवाज़ा खुला उसके बाद सारी चीज़ें हुई, यानी कि 3 घंटे का समय बर्बाद हुआ है, ये नीरज के बयान से साफ साफ सामने आ रहा है। आज तक ने नीरज के इस पूरे बयान को चलाया है जिसके मुताबिक ये सारी चीज़ें जो बाहर आई हैं उससे ये साफ पता लगता है कि 14 तारीख को जो है लापरवाही बरती गई और 3 घंटे इंतज़ार किया गया, एक नहीं 2 चाबी वाले को बुलाया गया था।